सारा हिंदुस्तान में वीडियो चल रहे हैं, वीडियो क्लिप चल रहे हैं, बेइज्जती होगी आज समाज में जिस तरह की बात करने लायक रहे नहीं उस वीडियो में, हमारी बेइज्जती हुई नारायण की, 36 बरादरी की बेइज्जती है, वाह जो बेइज्जती करी है नहीं वाह सबकी बेइज्जती है, हम तो शर्मसार हाँ। MLA बहुत से बने हैं, बहुत से बनेंगे, लोकतंत्र में जनता सब तो बड़ी ताकत है, MLA की कोई कहानी को नहीं बनया पाछे भी जनता का आगे, और जो जनता ने उड़दंगबाजी दिखावे नहीं फिर वह जनता उसका इलाज भी कराया करे जी। आज मैं समर्थन दे दिया था, किसा के दे दिया, कामना है किसा के दे दिया, उदने जवाना है सच्चा, अमीरपुर पानी है कोई दिन नानू साथ में आएगी, हाँ नानू साथ में आएगी सारी। नमस्कार, मैं आपका साथी सतेंद्र सिसार, फिलहाल की बात करूँ तो नारनंद के अंदर मौजूद हूँ, एक बार कहना चाहूँगा भाई घुमा के दिखा दे एक बार, पंचायत नारनंद की जो तो दादा देवराज धर्मशाला है उसके अंदर होड़ लग रही थी, और आपने बता दिया भाई कुछ टाइम पहले उमेश सिंह लोहान जो कि BSP और इंडियन नेशनल लोकदल के साझे उम्मीदवार हैं उनका फेवर में जो अमीरपुर भयानी गांव है इकट्ठा हो गया था, और आज नारनंद के अंदर पंचायत रखी गई, क्या कुछ फैसला लिया गया, बातचीत आपकी करवा देंगे जिन को राजी खुशी हो, क्या कुछ रहा पंचायत में, पंचायत में क्या कुछ पंचायत में समर्थन दे दिया था, किसा के दे दिया, कामना है किसा के दे दिया, उदने जवाना है सच्चा, अमीरपुर भयानी है कोई दिन नानू साथ में आएगी, हाँ नानू साथ में आएगी सारी सारी 36 जात ने समर्थन दे दिया भाई साहब, सामने आएगी आज देखो पंचायत में एक जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा था, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था, हाँ फिर उत्साह की जो बातें थी भी सारा गांव 20,000 वोट इकट्ठे हो गए गांव के, उत्साह की और इस्तेमाल तो की बात होगी, एक तरफा हो गया सिस्टम, एक तरफा सिस्टम हो गया भाई, इम करियर जीत होगी भाई जी उम्मीदवार की, हाँ और बातचीत कराना चाहूँगा भाई यू अठी भाई, राम राम भाई, और ठीक है राजी खुशी जमा, क्या कुछ लगाया आज जो बहनी वो इकट्ठी हो रही थी, सॉरी नरन इकट्ठी हो रही थी बहन के साथ में, कितना का हौसला लगा कि भाई उमेश सिंह लोहान मजबूत हुए हैं, खूब हौसला लगा मजबूत है, आज वहाँ भारी 36 बरादरी ने सहयोग दिया है, नारनूंद ने मिलकर बड़ा गांव ने भैणी ने आशीर्वाद दिया है, भारी वोट तो विजयी होगा, बात कर लें तो अमीरपुर भैणी के नारनूंद मिला 20,000 वोट हो गए, क्या मानना भाई एक तरफा हो गया सिस्टम, बिल्कुल एक तरफा आ गया, जब बड़ा गांव ने सहयोग दे दिया था छोटा गांव के जोड़ी में गाल थी, बड़ा गांव ने हाथ जोड़ी के नहर जमा छोटा गांव के जोड़ी में गाल दी है, बिल्कुल भारी वोटा तो विजयी होगा जी, राम राम तो ठीक से, आज पंचायत होने लग रही थी, कह रहे आला टू टू आप भी कह रहे हो, हाँ कह रहे हैं भाई, किसा का मोल बन गया, जमा सही बन गया भाईचारा, एक मिल गया तो इलेक्शन तो नुए लड़े जाएंगे, अच्छा अच्छा हाँ भाईचारा जरूरी है, ठीक है नहीं मजबूत हो गया फिलहाल, और भाईचारा बना सह की अपना पे, ठीक बात है, बाकी भाई एक बार आपने फिर दिखाना चाहूँगा जबरदस्त जो पंचायत में लोग पहुँचे थे, एक ताऊ आने लग रहा है, ताऊ तो भी बातचीत करने की कोशिश करने दी जी थोड़ी जगह, ताऊ ठीक से गए, तुम्हारा अच्छी खुशी है, किसा का मोल लग गया आज भैनी अमीरपुर और नारुंद एक होगी, हाँ ठीक है एक सौ जी एक सौ, कितना का लगे उमेश सिंह लोहान मजबूत हो गए, मजबूत हो गया जी, खूब हाँ खूब हो गया, 16,000 वोट मिल गए बिना तेल फूकी, अरे भाईचारा सारा इकट्ठा हो गया, ठीक सारे काजल सारी पूरी नानुंद और खुशी के लड्डू तू खा ले भाई हम भी खावा, ठीक है हाँ बड़ी खुशी, ठीक है जी, बातचीत आपकी करना चाहवागे, लड्डू बटन लग रहे लड्डू खाने लग रहे हैं, और तब ठीक सा आज खुशी तब किसा के मोल रहे यार पंचायत में, क्या कुछ लगे भाई क्या होया आज, ठीक होया बढ़िया हो गया भाई, एक बार इतनी मजबूती लगे उमेश सिंह लोहान जी ने आज मिल के, सबसे बड़ी भाई बढ़िया हो गया, सबसे बढ़िया भाईचारा इकट्ठा हो गया, भाईचारा इकट्ठा हो गया सब की में आज है, भाईचारा जहाँ भगवान है, बहुत बढ़िया मजबूती मिली है, ये चुनाव बहुत बढ़िया हिसाब से जीतेंगे, तो फिर खंडा खेड़ी से कैप्टन मनु भी हैं, फिर क्या लगे फिर एक तरफा करोगे मोल रहे उमेश सिंह का, अरे मैं सब पंचायत के हंगर लावांगे उड़े भी रड़े भी, अच्छा अच्छा हाँ सगारिया में रोड बोर्ड तो भारी से स्ट्राइक हो नहीं, अच्छा अच्छा नहीं यार दूसरे में हो गए, हाँ मैं तो दूर रहता था कल लाई रही था, अच्छा अच्छा ठीक हाँ, राम राम भाई साहब ठीक है, किसा का मोल दिखा बढ़िया है, दादा नानुदिया ने सारा ने मोल मेद का बढ़िया कर लाडू बैठने हैं दादा देवराज की धरती पर, मेद लग आशीर्वाद दे दिया आज जीत का आशीर्वाद दे दिया नानुदिया दादा ने सबने सबना जुड़ कर राम राम, मजबूती घनी मिली है नानू दिया मेरे जितने दादा ने नहीं आशीर्वाद दे दिया मेरे ने लाडू मैंने दादा ने नानू दिया ने सब ने जी, और भी बातचीत करवा दें जी, नमस्कार जी, नमस्कार और राजी खुशी हो, हाँ बिल्कुल मौज आज नुको है जी,
नरंद इकट्ठी होगी अमीरपुर बैनी गल है बड़े छोटे दोनों गांव है। ये जो है सारे हल्के के, ये नहीं बड़ा गांव है, छत्तीस जात का फैसला है, ये सारे अकेला गांव नहीं, हर जाति के सबका फैसला है, ये इनका संघर्ष है, लंबा संघर्ष रहा है। अरे कोई उंगली उठाने वाली बात नहीं, इन्हें हर तरह से हर दुख में सुख में और पूरे संघर्ष के साथ, किसान का आंदोलन है, गरीब का है, मजदूर का है, कहीं भी है, और इनने जो है हमेशा साथ रहे हैं और सेवा करी है और एक संघर्ष के तहत आए हैं, और इनसे अच्छा उम्मीदवार मेरे ख्याल हमारे हल्के में तो कोई है नहीं, और कामयाब जरूर बनाऊंगे। हमारा दादा का आशीर्वाद हमेशा ही फड़ा फूला है, जहाँ यहाँ का जो फैसला रहा हमेशा तीत में भी विजयी रहे हैं, और ये आशीर्वाद आज इनका सबका मिल गया तो ये खरा है। आज ये हमारे चबूतरे का पंचायत का सबसे बड़ा, हमारी तो पूरी कम्युनिटी का कह ले, हमारे जितने गाँव सभी का यहाँ से फैसला होता है। जो डॉक्टर साहब थे उनकी मान रहे फाइनल से कांग्रेस की वाला टिकट है उनकी कट की, उससे भी क्या लगा कि भाई कुछ रोष गांव में आया हो कि हमारा गांव का था टिकट मिल जाए तो अच्छी बात थी, लेकिन कटी है। हाँ देखिए, हाँ टिकट कटे है, कोई उसका दर्द होता है हमेशा, लेकिन आज का जो यूथ है, जो संघर्ष है, जो मतलब आज इसके योग्य है, टिकट कटने का होता है हमेशा ही, लेकिन जो ये सारी चीज़ें इनके पक्ष में जाती हैं, और ये एक योग्य भी हैं हर आकर्षित उसमें, तो सक्षम भी हैं राजनीति के भी, और संघर्ष इनका आप जहाँ से भी देखो पूरा हर दौर से गुजर के आए, और किसान एक छोटे किसान से उस लोभी से उठ के आए हैं। रही बात पार्टी की, हम बात करें तो एक यही पार्टी है जो हमेशा ही कमेरा वर्ग, भले किसान है, मजदूर है या युवा है, सभी ना रोजगार की देखें तो आज सजा काटी तो किसके लिए, उनके लिए। 700 किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब हम उनके साथ होकर कामयाब बनाएंगे, जितने भी दुख सुख में ये साथ रहे, ये पार्टी भी रही है, और ये जो खास करके हमारे उम्मीद भाई हैं, ये सबके लिए, सबके लिए युवा भी रहे हैं, युवा जिम्मेवारियाँ भी, किसी भी हर कोई भी जिम्मेवारी कभी भी सौंपी गई खरा उतरे हैं, ये तो झटके तो लगते हैं राजनीति रूप से, उतार चुनाव लड़ा करती है। हाँ जी, उसके साथ में BSP भी आएगी, बहन मायावती की जो पार्टी, उसने भी अपना गठबंधन कर लिया, ये तो सुनने पर सुहागा बात है जी। दो कौम जो हमेशा संघर्ष और पसीने की खाने वाली है, जो मेहनत कस लोग हैं, मजदूर किसान हमेशा जो दायां बायां बाजू रहे हैं, इनका इकट्ठा होना और भी जो है और भी जीत की ओर अक्सर लेके जा रहा है, और ये श्योर है आगे जो सरकार बनने वाली है इन्हीं की, उन महान विभूतियाँ दादा खेड़ा के आशीर्वाद से, डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, चौधरी देवीलाल जी हैं, मतलब वो जन जन की भावना है उनके साथ जुड़ी, और ये तो इकट्ठा होना तो और भी सार्थक है, और उनके आशीर्वाद से ये सरकार ही लेके आएंगे, एक आंदोलन जन आंदोलन हो चुका है ये, और हमेशा ही सक्सेस होते हैं, जहाँ पसीने का खाने वाला आदमी है वो हमेशा सच्चा होता है। उम्मीद भाई देखिए स्टूडेंट भी है, धन्यवाद। ठीक है जी, फिलहाल भाई आपने एक बार करना चाहूँगा, घुमा के दिखा दे चारों तरफ, एक ज़बरदस्त माहौल नारंद के अंदर फिलहाल बन रहा है, और बातचीत कराना चाहेंगे इंडियन नेशनल लोकदल और BSP के जो सदस्य उम्मीदवार हैं, उम्मीद जीत है। नमस्कार प्रधान जी, और ठीक हो, नमस्कार जी। आज की देखा जी, एक बार अमीरपुर भैन इकट्ठी हो गई थी, और आज नारंद के जो छोटा बड़ा गाँव है दोनों इकट्ठे हो गए हैं, कितनी मजबूती आपने महसूस हो रही है? आपने क्या महसूस रहे हैं? हमने तो जी पूरा हौसला दिखा, तो पूरा हौसला है, पूरा हौसला है, बहुत भाई तो बड़ा को हौसला हो गए हैं, बहुत हौसला है सब, बहुत ताकत मिली। तो जी बात कराएं, एक बार बार जिक्र हो रहा है नारंद के अंदर उड़दंगबाजी का, पैसे ऐसी घटनाएं घटना लग रही हैं, क्या कुछ लगा है इस तरह का माहौल कैसे पैदा हो रहा है? सारा हिंदुस्तान में वीडियो चल रहे हैं, वीडियो क्लिप चल रहे हैं, बेइज्जती होगी आज समाज में जिस तरह की बात करने लग रहे हैं, नहीं उस वीडियो में हमारी बेइज्जती हुई नारंद की, 36 बरादरी की बेइज्जती है, वाह जो बेइज्जती करी है नहीं वाह, वह सब की बेइज्जती है, हम तो शर्मसार हैं। MLA बहुत से बने हैं, बहुत से बनेंगे, लोकतंत्र में जनता सब तो बड़ी ताकत है, MLA की कोई कहानी को नहीं बने पाछे भी जनता का आगे, और जो जनता ने उड़दंगबाजी दिखावे नहीं फिर वह जनता उसका इलाज भी कराया करे जी। फिलहाल भाई नारंद तो जुड़े थोड़ा, आपने बता दें जो महापंचायत कहेंगे हजारों की संख्या में जो अमीरपुर बयानी है नारंद है वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं इकट्ठा जो धर्मशाला है इसके अंदर हो रहे थे, और क्या कुछ माहौल आपने देखा, लाइव वीडियो कर रखी थी, आप कमेंट करके बता दो, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी के साथ अपने वीडियो विराम देता हूँ, जय हिंद जय भारत।